नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। शुरू में आज जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी करीब 16500 के ऊपर, तो लगा निफ्टी ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगी, 16500 के नीचे मार्केट आ जाएगा। और कॉल राइटर ने और सारी कॉल राइट की, लेकिन हुआ गड़बड़। पिछले एक घंटे सवा घंटे से 16500 के ऊपर ही नहीं है निफ्टी, बल्कि 16550 को क्रॉस करने जा रहा है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जिस तरह से कॉल राइटरों की बद्धी काटी गई है आज, उस तरह से क्या 16700 का लेवल काट पाएगा निफ्टी? तो मैं बता दूं कि शायद मुश्किल पड़ेगा। दूसरा, जब मैंने मई जून में वीडियो बनाए थे तो मैंने कहा था शेयर मार्केट हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, सारे ऑड्स को किनारे कर देगा, सारी विषम परिस्थितियों को किनारे करके मार्केट एक तरफा भागेगा, चाहे क्रूड भाग रहा हो, इंटरेस्ट रेट भाग रहे हो, मेटल साइकिल ऊपर हो और सबके रेट बढ़े हो, सारी क्राइसिस हो, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर भागेगा। हुआ भी है। जब मैं केरल में था और मैंने कहा था 16000 के दर्शन होंगे, तो इस बात को अभी 20 दिन ही हुए हैं। एक महीने के अंदर मार्केट 15200 से करीब 16500, 1300 पॉइंट की तेजी कर दी। हो सकता है 200 पॉइंट की और तेजी कर, लेकिन अगर 1500 पॉइंट एक तरफा मार्केट भागा है तो क्या 700 पॉइंट गिर नहीं सकता? बिल्कुल गिर सकता है, और ये चमत्कार आपको जुलाई के अंत में शायद दिखाई भी पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर मार्केट 18600 कब काटेगा? बिल्कुल काटेगा। देखिए, लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन में मार्केट तेज ही है। मैं तो पैदाइशी बोलूँ 20800 का टारगेट आना ही है। अब देखना ये है कि उसके पहले 6 महीने का रिसेशन आएगा, ग्लोबल मंदी आएगी या तेजी आएगी। और डेटा रोज बदल जाते हैं, यहाँ पे गिरगिट की तरह रोज रंग बदलना पड़ता है शेयर मार्केट में। कुछ शेयर्स ने प्रॉफिट दिया है, कुछ शेयर्स ने ब्रेकआउट किया है, कुछ ब्रेकआउट करने वाले हैं, लेकिन जो हमने शेयर खरीदे हैं अगर उसमें 10-20-15% का प्रॉफिट है तो हम जरूर बुक करेंगे। और अगर मार्केट और बढ़ गया तो भैया पूरा पोर्टफोलियो तो पड़ा है और शेयर बेचेंगे। और एक समय अगर ऐसा आ गया कि एक भी शेयर नहीं बचा, मार्केट इतना भाग गया, तो भाई लक्ष्मी को आना है, तो हमारे खाते में 5000 शेयर हैं शेयर मार्केट में, तो हमारे खाते में कोई ना कोई शेयर तो होगा ना जो हमारे लिए बैठा होगा, हमको पैसा देगा, हम उसको खरीद लेंगे। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने इस विषम परिस्थिति में भी प्रॉफिट कमवाया है। मई जून में अगर कोई खरीदारी की है तो उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। कालीन भैया 2400 का घर तो नहीं तोड़े, 2500 पे आ गए, इसीलिए मैंने कहा था 2400 में 5 शेयर खरीदेंगे। अब रिलायंस की आज वो बात चरितार्थ होती, मैंने कहा था 5 शेयर खरीदेंगे और नीचे ना खरीद पाए तो कोई बात नहीं, वो 5 शेयर ही ऊपर बेचेंगे 2600 में। वो बात याद है ना आपको मेरी, 1000 रुपए कमा लेंगे और किसी शेयर में प्रॉफिट कमा लेंगे। वेदांता हमने खरीद लिया था, उसमें कमा लेंगे। वेदांता पे तो एक बहुत बड़ा वीडियो लाना है मुझे, मल्टीबैगर शेयर की यात्रा, कतई आपका मन खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया वीडियो है। और शेयर बाजार में आईटी सेक्टर, इस पे भी बस वीडियो बन नहीं पा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं ही पहला शख्स था जो पिछले साल कह रहा था आईटी बहुत बढ़ गया, 40 रुपए में प्रॉफिट बुक करी आईटी बीज में, जिस चीज को मैंने 20 रुपए में खरीदवाया था। और फिर मौका है, इशारा कर रहा हूँ, शोरूम अब की थोड़ा सा अलग खुलेगा, अब की बैंक 20 का ना खुल के आईटी 20 का खुल लेगा। बाकी मेरी बातें सुन के अपना निवेश का तरीका, नजरिया मत बदलिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही काम करिए। एक चीज समझ लीजिए, अगर बैंक निफ्टी 36500 के ऊपर गया और सस्टेन कर गया तो फिर 38000 भी जाएगा। 16800 के ऊपर निफ्टी गई तो 17000 के ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटर तो कुछ और ही सोच रहा है करने को। और हम लोग की एक बहुत बड़ी गलती है, 2 महीने से रो रहे थे और जरा सी तेजी की फुहार लगी है, बारिश तो यूपी में हो नहीं रही, लेकिन जो मार्केट में तेजी की फुहार आई है तो सारे गम भूल गए, सारा पसीना सूख गया है। और कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरियाली ही दिखाई पड़ती है, तो इस हरियाली के धोखे में मत रह जाइएगा। ऑड पोजीशंस बहुत हैं, जो मार्केट में खराबी चल रही है ग्लोबल को लेके, ग्लोबल जो ट्रेंड है, यानी कि जो दुनिया में मंदी की बात हो रही सारी, अगर उस बात को किनारे करके मार्केट एक तरफा भागा है तो जिस दिन मार्केट को गिराना होगा वही कारण फिर से ले आएंगे और मार्केट गिरा देंगे। इसलिए एक ही नियम अपनाएं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो थोड़े समय में मुनाफा कमाना चाहते हैं, उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना घाटा सह सकते हैं और कितना मुनाफा रोक के चल सकते हैं, कि इतने मुनाफा हमको हो जाए तो हम फायदे में हैं।
हमको अच्छा लगेगा। जब बाजार इस तरह से तेजी से बढ़ता है तो अक्सर कुछ गलती हो जाती है, जोश जोश में होश खो बैठते हैं। ओवर लिवरेज नहीं रहना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, अपनी चादर के हिसाब से पांव फंसा रही है, कोई मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन सब से बचिए। बात छोटी छोटी है लेकिन बहुत जरूरी है, अनुशासन में रहिए। ट्रेड में अनुशासन जरूरी है। प्रॉफिट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये निश्चित करिए कि कितने प्रॉफिट तक रुक सकते हैं, और अगर लॉस होगा तो कितने में निकल जाएंगे। ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे शेयर में निवेश किया है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इन बातों को दोहराते रहिए, मंत्र हैं ये सूत्र, और सूत्र में ही सब कुछ समाया हुआ है, सूत्र नहीं भूलना है सफलता का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इष्ट मित्रों को शेयर करिए वीडियो। आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जल्दी से 1,00,000 के ऊपर पहुंचाइए। अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुए, पैसा कमाने वाले जो असली आने हैं 1,00,000 के बाद ही शुरू होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।